हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिपेंडेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिपेंडेंसी, जैसे कि एक डिपेंडेंसी मैं लेके आ गया हूँ, टेम्पोरल डिपेंडेंसी क्या होता है इसे समझेंगे इस वीडियो में। अगले पार्ट में एंड और प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट क्या होता है इसे भी समझने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे डिपेंडेंसीज है जिनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सिलेबस का टॉपिक है। अगर क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इसीलिए भैया हर एक डिपेंडेंसी को मैं आप सभी के लिए लेके आ जाऊँगा। अभी आज फिलहाल इस रिस्पेक्टिव डिपेंडेंसी पे हम फोकस करते हैं, जिसका नाम है टेम्पोरल डिपेंडेंसी। आखिर ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स है, टर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके लिए डिलीवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये टेम्पोरल डिस्टेंस आखिर है तो है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि वो टेम्पोरल डिस्टेंस है क्या। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक जॉब है J1 एंड लेट्स कंसिडर अनदर जॉब J2। तो मैंने दो जॉब यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब ये जॉब्स हैं तो ऑब्वियसली इनका कुछ रिलीज टाइम होगा जब वो रिलीज होंगे, इनका कुछ एग्जीक्यूशन टाइम होगा जब वो एग्जीक्यूट होंगे, एंड एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस आएगा कि जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम व्हेन द एग्जीक्यूशन गेट कंप्लीट्स, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्लीशन टाइम ऑफ द रिस्पेक्टिव जॉब। तो यहाँ पे मान लो J1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है T1, J2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो है T2। सिंपल। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से इसे लिखता हूँ, यानी T2 - T1, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया, एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ यहां पे दोनों के जॉब्स का जो कंप्लीशन टाइम है उसका डिफरेंस ले रहा हूं, एंड दैट इज नथिंग बट द टेम्पोरल डिस्टेंस अमंग दीज जॉब्स। सिंपल एज दैट। मैंने क्या किया, द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीशन टाइम ऑफ द टू जॉब्स इज द टेम्पोरल डिस्टेंस अमंग देम। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्पोरल डिस्टेंस। अब इसके आगे इन्होंने एक और टर्म जोड़ दिया, यानी कि टी और डी के आगे एक और टर्म जोड़ दिया, सी, दैट इज अ टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट्स। ये एक और टर्म उन्होंने जोड़ दिया है, इसे अभी हम समझेंगे। एक ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जॉब्स आर सेट टू हैव टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट्स इफ देयर टेम्पोरल डिस्टेंस, जो अभी हमने समझा, इफ द टेम्पोरल डिस्टेंस मस्ट बी नो मोर देन सम फाइनाइट वैल्यू। तो ये जो टेम्पोरल डिस्टेंस की वैल्यू होगी, जो भी वो आंकड़ा होगा, इट मस्ट नॉट बी मोर देन सम सर्टन फाइनाइट वैल्यू, देन वी कैन से भैया जॉब्स में यहाँ पे आपको TDC देखने को मिलेगा, टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास एक वीडियो फ्रेम है और ऑडियो सेगमेंट है, करेक्ट, कुछ वीडियो फ्रेम्स है, कुछ ऑडियो सेगमेंट्स है, बराबर। किससे रिलेटेड, एक स्पीकर है वो बात कर रहा है, ओके, एक स्पीकर है वो बात कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इनका सिंक्रोनाइजेशन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आवाज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। कई कई बार होता है ना कि लिपसिंग कुछ और चल रही है और आवाज़ कुछ और आ रहा है, यानी कि हमें पता चल जाता है आवाज़ आगे पीछे हो गया, हमें आवाज़ आगे पीछे नहीं होने देना है। वो जो लिप सिंक्रोनाइजेशन है स्पीकर का, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे उसके लिप्स हिल रहे हैं उसी प्रकार से आपका ऑडियो सेगमेंट सिंक होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो टाइम है इन बिटवीन देम, द टाइम बिटवीन द वीडियो फ्रेम एंड द ऑडियो सेगमेंट मस्ट नॉट बी मोर देन 160 मिली सेकेंड्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नाउ यू आर एबल टू रिलेट दिस एग्जाम्पल टू दिस स्टेटमेंट, बराबर है, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनाइट वैल्यू है वो 160 मिली सेकेंड्स है, करेक्ट और नॉट, और ये जो टाइम है बिटवीन दिस रिस्पेक्टिव वीडियो फ्रेम एंड द ऑडियो सेगमेंट मस्ट बी नो मोर देन सम फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ फाइनाइट वैल्यू जो है वो 160 मिलीसेकंड है। अगर आपने उसको पार कर दिया, अगर आपने 160 मिलीसेकंड को पार कर दिया, उससे ज़्यादा हो गया, एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलेगा, आवाज़ आपको थोड़ा आगे पीछे होते हुए महसूस होगा, ऑब्जर्व होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर मैं ये टेम्पोरल डिपेंड जो ये टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट है, ये जो कंस्ट्रेंट है TDC, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं टास्क ग्राफ में, तो कैसे होगा, क्या करूंगा मैं? तो इसके लिए आपको एक एज यूज करनी पड़ेगी, सिंपल सी एज है, जिसका एज का नाम है टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज। सो बाय यूजिंग दिस टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज यू कैन रिप्रेजेंट द TDC। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक J1 जॉब है, दिस इज वन J1 जॉब, और एक J2 जॉब है, करेक्ट और नॉट, J2 जॉब है, और मैं यहां पे एक एज बना रहा हूं, लेट्स कंसिडर दिस एज टू बी एज अ टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज। नाउ यू कैन से दैट दीज जॉब्स आर गोइंग टू हैव द TDC, दैट मीन्स जॉब्स आर सेट टू हैव द TDC इन दिस रिस्पेक्टिव केस, वेयर द एज इज नथिंग बट अ टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इसे और भी कैसे हम देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कि जो J2 है, J2 शुड कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एट अ सर्टन टाइम, मतलब कुछ सर्टन टाइम उसे लगना चाहिए,
नॉट कुछ भी भैया, कितना भी टाइम ले ले, ऐसा वाला फंडा नहीं है। J2 ने कंप्लीशन के लिए, अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए, इट शुड टेक अ सर्टन टाइम आफ्टर J1 कंप्लीट्स, आफ्टर J1 कंप्लीट्स, दिस इज नथिंग बट सिंपली योर टेम्पोरल डिपेंडेंसी, जो कि हम यहाँ पे टास्क ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिस्पेक्टिव टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब इस टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज के ऊपर भी बहुत खेल है, क्या पैरामीटर्स भी होते हैं इस एज के, कौन कौन से पैरामीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है टेम्पोरल डिस्टेंस, जिसे हम अभी कवर कर चुके हैं। तो इस टेम्पोरल डिपेंडेंसी एज का जो पैरामीटर है वो है टेम्पोरल डिस्टेंस। नाउ हियर लेट्स सी, वो जो टेम्पोरल डिस्टेंस पैरामीटर है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, जरा दिमाग लगाओ। उस टेम्पोरल डिस्टेंस की जो पैरामीटर है हमारी इस एज का, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, जब जॉब्स में हमें वो जो रिस्पेक्टिव जॉब्स है, लेट्स से J1 एंड J2, J1 और J2 में जब हमें TDC देखने को नहीं मिलेगा, व्हेन देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी TDC यानी टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट, देन देयर टेम्पोरल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ओके। तब जाके आपका ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जब उन जॉब्स के अंदर आपको TDC देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स द जॉब्स आर नॉट गोइंग टू हैव द टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट है जो बचा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये डेडलाइन से रिलेटेड कुछ अनसर्टिनिटी यहाँ देखने को मिलेगी। यानी कि जब ये आपके टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट्स अगर जॉब्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि जॉब्स आर सेट टू हैव द TDC, देन देयर मे और मे नॉट हैव डेडलाइंस। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर कुछ जॉब्स में अगर मैं कहता हूँ कि वो TDC है, उसमें TDC फॉलो करते हैं, TDC अलाउ है, यहाँ पे आपको टेम्पोरल डिस्टेंस कंस्ट्रेंट देखने को मिलेगा, तो उस केस में आपको मे और मे नॉट डेडलाइंस जो है वो देखने को मिल सकती, कि भैया देर इज अनसर्टिनिटी। ऐसा नहीं कह सकती कि हाँ डेडलाइंस हैं, डेडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, देर मे और मे नॉट बी डेडलाइंस फॉर दोज रिस्पेक्टिव जॉब्स वेयर वी आर हैविंग द TDC। आई होप यू आर गेटिंग द सिंपल पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू डिलीवर बाय दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, टेम्पोरल डिपेंडेंसी से रिलेटेड सारे डिटेल समझ में आ गए होंगे, तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।